भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर भाजपा महिला मोर्चा की महिला संपर्क अभियान की बैठक मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसके संबंध में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर क्षेत्र में महिला संपर्क अभियान शुरू किया गया और पूरे विधानसभा में घर घर तक जाने की योजना है। उन्होंने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से महिला संपर्क अभियान चलेगा। उत्तर प्रदेश की सभी महिलाएं योगी जी के साथ हैं तथा इस मिशन में घर घर जाकर सभी लाभार्थी बहनों से संपर्क किया जाएगा और हर जगह कमल के फूल का अलग जगाएंगे और पूरी जनता को भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं जिस प्रकार से मोदी जी एवं योगी जी के सरकार से संतुष्ट हैं, इस पर यह निर्णय लिया गया है कि सारी महिलाएं उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनाने में समर्थन देंगी। इस बैठक में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा के प्रभारी विजय बहादुर पाठक, पूर्व मेयर सत्या पांडे, ममता जायसवाल, मीना श्रीवास्तव, मधु सोनकर, वंदना गुप्ता एवं अन्य भाजपा की कार्यकर्त्री मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने कहा, जीतने का प्रयास करती हूँ कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन रेखा गुप्ता जी, जिनका मार्गदर्शन मुझे कम से कम हर वक्त मिलते रहता है, बहन सत्या जी राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य, अमिता जी क्षेत्रीय प्रभारी, शकुंतला दीदी, सुनीता जी जो कि बंगाल में भी मेरे साथ मुझे सौभाग्य लगा जी, हमारी महिला मोर्चा की सभी बहनें जो बिहार से चल के आज महिला मोर्चा टीम को मजबूत करने यहाँ आई हैं, और उत्तर प्रदेश की सभी बहनें, मैं सभी का हार्दिक आभार करके घर परिवार अपने पति बच्चे सभी जिम्मेदारियों को छोड़ के एक मिशन पे चले हैं कि उत्तर प्रदेश को विजय बनाना है, योगी मोदी को फिर से लाना है। उसके बाद दूसरी बात है, बिहार के बारे में कहा जाता है कि बहनें बिना बताए चली जाती है, बहनें रहे दो दिन तीन दिन, जब मैं बिहार में टीम इस बार बना रही थी तो कुछ हमारे भाई लोग भी बोल रहे थे 57 बहनें जा रही है, वो लोग रह पाएंगे क्या? बड़ा आश्चर्य सबको लग रहा है। 16 तारीख को जो बहनें बुंदेलखंड गई है, 16 तारीख की ठंडक का आप अनुमान लगा सकते हैं, और वो एमपी बॉर्डर का वो क्षेत्र, ये तो मैं 24 मिनट नहीं रुकूंगी, ये सब उनका था। मैं बोली आप 24 तारीख को कर ले, उसके बाद आप निकल जाइएगा, और वो बहने मुझे 25 तारीख को फोन की। बताते हैं कि अभी देख रहे थे दीदी रेखा दीदी के साथ एक वीडियो, हमारे माननीय गृह मंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर घर जा रहे हैं, छोटे हो बड़े हो कमजोर हो दूर हो, नन्हे पुत्र को उदय सिंह को बचाने के लिए दो टुकड़े होते देखा था उस मां ने, तब उदय सिंह बचे थे और तब उदय सिंह के बचने के बाद महाराणा प्रताप बचे थे। तो अगर महाराणा प्रताप थे तो उसके पीछे उस्मा पन्नाधाय का त्याग था। कितने उदाहरण आप उठाकर देख लो इतिहास में। मैं कभी कभी सोचता हूं गोरखपुर में बहन रेखा जी, गोरखपुर में ये जो क्रांतिकारियों के नेता थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शाहजहांपुर के रहने वाले थे, गोरखपुर के जिला जेल में कभी बानो आप आइएगा तो वहां पर उनकी फांसी हुई थी, उनका स्मारक बना है। योगी जी ने अभी जब 4 महीने पहले जेल में जब रहते थे तो वो पूरा परिसर एक अलग से बना करके एक स्मारक के रूप में विकसित किया है। आज हमारी यहाँ गोरखपुर क्षेत्र का महिला संपर्क अभियान को हमने शुरू किया है और पूरा विधानसभा पे हर घर तक जाने की हमारी योजना है। पूरे क्षेत्र से हमारी महिला नेता एकत्रित हुई हैं और योजनाबद्ध तरीके से महिला संपर्क अभियान चलेगा। निश्चित रूप से जय भाजपा तय भाजपा, और उत्तर प्रदेश की सभी महिलाएं हैं योगी जी के साथ, इस मिशन के साथ में हम घर घर जाएंगे, सभी लाभार्थी बहनों से संपर्क करेंगे और हर जगह
कमल के फूल का अलग जगाएंगे और पूरी जनता को भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। हर विधानसभा में कितनी टीमें लगाएंगे? हमारी पूरी टीम जो है, जितनी भी हमारी महिला नेता हैं, हमने उनको संगठित कर उनकी टोलियां बनाई है और वो टोलियां अपनी काम करने के लिए क्षेत्र को पकड़ेंगी। बैठक में क्या मंडली बैठक है, क्षेत्र बैठक? क्षेत्र पे, क्षेत्र और विधानसभा पर। उत्तर प्रदेश में महिलाएं जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार से, योगी जी की सरकार से संतुष्ट है, तो एक मुश्त होकर के यहाँ निर्णय लिया गया कि सारी महिलाएं उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को समर्थन देंगी और उसी के लिए प्रचार एवं प्रसार करेंगी।